आटा, और ये राइस हमने रख लिए भाई 5-5 किलो के, 3, एक सोना मसूरी और एक डबल डायमंड, और ये है रिधिमा को भी रख लिया है। रानियों की देखें आप, पूरे बेहतरीन सब्जियां यहां पर आपको मिलेंगी पूरी। देखो जी, फाइनली रिधिमा तिवारी कह रही है पंजाब तंदूरी से खाना जाएगा आज। हाँ, मैंने बोला पापा ने बोला। मैंने कहाँ से बोला? हाँ। तो नहीं ले जाएं? नहीं। ये देखो। मैं एग्री तो करूंगी जब पाओ। गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग्स। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग में, और वेदर बहुत बढ़िया है, और हम लोग कुछ काम के लिए बाहर निकले हैं, और वो करते हुए भी कुछ चीज़ें हम कैप्चर करते हुए चलेंगे। तो पहले तो आप देखें भाई, क्या बढ़िया और बेहतरीन वेदर यहाँ पर हो रखा है। और नहीं मतलब ठंड तो हो रही है हल्की हल्की, मगर जो क्या बोलते हैं सुहाना वेदर है ना, वैसा वाला वेदर नहीं है कि अभी बर्फ़ गिर गई है, वो गिर गई है। तो ये है भाई रिधिमा तिवारी, मुझे बहुत ठंड हो रही है। इसको ठंड हो रही है, मगर ठंड इतनी नहीं हो रही है, पर ये कह रही है कि ठंड हो रही है क्योंकि इसने पहनी है फालतू की एक वो फैशन वाली जैकेट। तो जिसमें मोटा वाला, हाँ तो कोट है, मगर ये शॉर्ट है और आगे से खुला हुआ भी है। खुला कहाँ है बंद है। तो फिर भी ठंड कैसे हो रही है? देन इट शुड नॉट बी। तो अब हम थोड़ा सा कुछ काम है वो निपटा के आते हैं, कुछ सामान भी लाएंगे हो सकता है आते हुए, और फिर जो है आपको चलते हुए दिखाते चलते हैं। पहले तो आप देखें वेदर, देखो भाई क्या बढ़िया धूप खिली हुई है। तो जी व्यूअर्स, हमारा थोड़ा काम था इंटरनेट का, हमने जो है क्या बोलते हैं अपनी स्पीड को करेक्ट करना था सबके लिए, क्योंकि रिधिमा परेशान थी। इसका जो है इंटरनेट था कितना, 2 GB था। अच्छा, 1 GB था, तो उसको हमने बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया है, जो कि 100 GB मोस्टली होता है। और 100 GB अगर आपने यूज कर लिया तो फिर आपका जो है उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। 100 GB को यूज़ नहीं करता, बट 100 GB बहुत होता है, तो सबके लिए अनलिमिटेड है। बट पैसे बढ़ गए हैं थोड़ा सा, करीब करीब 350-350 करोनर ज़्यादा देने पड़ेंगे, जो कि रिधिमा अपने पॉकेट एक्सपेंस से देगी है। और वो रिधिमा को देना पड़ेगा। हाँ रिधिमा, जब पैसे आपके पॉकेट से जाएंगे अब कैसा लगेगा आपको? No comments. तो ये है जी, और माहौल जो है काफ़ी तो जी अब हम जाएंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से हमने कुछ सामान लाना है, और आए हैं यहाँ तो अब ग्रीनलैंड जाके कुछ सामान लेकर के हम घर जाएंगे, और घर जाके फिर आप लोगों के लिए वीडियो एडिट। और रिधिमा को कुछ खाना है कह रही है, पर अब क्या खाना है वो मुझे नहीं पता, तो अभी देखेंगे क्या खाना है। नॉर्वेजियन से क्या खाना है? आपका खाना है। अभी तो मेरे को कुछ नहीं खाना, अभी तो हम खा के आ रखे हैं। माय
तब कहाँ से था वो जाने का, वो सामने है ना। तो जी ये स्टेशन से आने का चोर दरवाज़ा रूनलैंड की तरफ। तो जी रूनलैंड पे कुछ प्रोग्राम, कुछ मेला टाइप का कुछ चलते रहता है यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं यहाँ चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। कुछ बच्चों के लिए कुछ तो चल रहा है कार्यक्रम। जी ये सब कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं ग्रीनलैंड ओस्लो के अंदर, तो कुछ खास तो क्राउड नहीं है, बस जैसे थोड़ा बहुत टाइम पास है। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ से सामान लेके चलते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की सब्जी की दुकान है, ये अफगानियों की। देखें आप पूरे बेहतरीन सब्जियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी पूरी। देखो भाई ये जी सेक्टर 4 वैशाली की मार्केट देखें, ऐसे ही वहाँ लगे रहते हैं। जी फाइनली रिधिमा तिवारी कह रही है पंजाब तंदूरी से खाना जाएगा आज। मैंने बोला पापा ने बोला। मैंने कहाँ से बोला? तो नहीं ले जाए ये देखो मैं जब तो करूंगी जब पापा जब मैंने बोला कि नहीं ले जाते हैं तो फिर कहती है। मैंने एग्री किया लेकिन पहले पापा ने बोला। हाँ तो आप पंजाब तंदूरी से खाना लेंगे भाई, अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिलती हैं।
पैक करके घर ले जाएंगे, खाएंगे घर में, फिर घर में दिखाएंगे आपको आज क्या क्या चीज़ें पैक होंगी। तो अब हम जा रहे हैं पंजाब तंदूरी, जो कि काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है यहाँ का, बढ़िया वेज खाना लेके जाएंगे। और मेन्यू तो हमारा फिक्स है, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ कुछ मिलता नहीं है मेन्यू में। एक पालक पनीर, एक शाही पनीर और एक चना मसाला लेके जाना है, और एक नान एक्स्ट्रा उसमें, वन नान एक्स्ट्रा उसमें। हाँ, इनकी फोटो लगी है ना सामने। तो जी, ये है पंजाब तंदूरी की भीड़, आप देखें। अभी हमारा खाना जो है पैक हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद हम लेके जाएंगे। तो जी, ये देखें हमारा खाना पैक। अब हम घर जाके जो है आपको दिखाएंगे, इसका टेस्ट करके आपको बताते हैं। और रिधिमा एकदम खुश हो गई है, देखो अब अब रिधिमा की जो है डिमांड, खाना देख के रिधिमा खुश। अब खा के बताएगी भाई कैसा है ना। ओके, तो जी अब हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट शॉप। तो जी व्यूअर्स, अब रिधिमा ने भर लिया सामान, और देखो क्या क्या सामान ले लिया इसने। ये तो है भाई, रुको पहले इसको ना, क्या है बता। हम नए नूडल ट्राई कर रहे हैं, मैगी के मंचूरियन फ्लेवर। हाँ, और हमने यम यम के वेजिटेबल। हाँ, और ये चाउमीन वाले वो उबाल के बनाने वाले है ना। हाँ, और ये नूडल बना सकते हैं जो, और एक 10 किलो आटा, और ये राइस हमने रख लिए भाई 5-5 किलो के, 3, एक सोना मसूरी और एक डबल डायमंड, और ये है रिधिमा को भी रख लिया है।